लेकिन राहुल गांधी इतने बड़े घोटालेबाज हैं, दो तरह से बोलने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने माफी मांगा, जनता से भी उनको माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, आज यहां पर हम लोग कारगिल चौक पर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में प्रदर्शन करने आए हैं, क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी ने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री का अपमान किया, जिस तरह राफेल को खरीदने में देरी करने की साजिश करवाई और जिस तरह राफेल विमान न आए इसके लिए संघर्ष किया, देश की जनता उनसे जानना चाहती है क्या कारण था कि 10 साल जब सरकार में थे तो भारत की वायुसेना को कमजोर किया और अब जब विपक्ष में हैं तब उन्होंने राफेल के नाम पर राजनीति की। उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा है, उसी का प्रकटीकरण यहां पर है संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया, उसके बाद भी राहुल गांधी जी को इस बात को लेकर नींद नहीं आ रही है कि उन्होंने अपने जीवन में बिना कमीशन खाए, बिना घोटाला किए कोई काम नहीं किया है। तो आज कोई भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी के कुर्सी पर बैठ करके किस प्रकार देश को बिना किसी घोटाले के चला रहा है, और इसीलिए सभी विवादों के बावजूद सही समय पर राफेल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाया और सुप्रीम कोर्ट ने दो बार मुहर लगा दी कि इस पूरे केस में किसी तरह की गलत बात नहीं हुई है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन राहुल गांधी इतने बड़े घोटालेबाज हैं और इतने बड़े दो तरह से बोलने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने माफ़ी मांगा, जनता से भी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और जनता को आज दो बार वह खत्म हो चुके हैं, राष्ट्रीय राजनीति में वो पूरे तौर पे साफ हो जाएंगे। अजय भारत परिवार की तरफ से आप सभी सम्मानित दर्शकों का आभार। आपके प्यार ने हमें बनाया लोकप्रिय न्यूज चैनल और लोकप्रिय डिजिटल न्यूज नेटवर्क। टीवी के माध्यम से लगभग 1 करोड़ घरों तक पहुंचा अजय भारत। सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर मिला 10 करोड़ लोगों का प्यार। अब नए तेवर और नए कलेवर के साथ आ रहा है अजय भारत। तो फिर देर किस बात की, तो कॉल या व्हाट्सएप करें हमारे नंबर 7488051092 पर।